मुरादाबाद क्राइम ब्रांच ने एक हाईटेक गैंग के दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि पुलिस के द्वारा किए गए ई चालान की साइट को हैक करके उसमें भरे गए रुपयों को कम करने का काम कर रहा था। पुलिस ने इन लोगों से बड़ी मात्रा में नकली मोहरें और अन्य सामान भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार ये गैंग अब तक 15 लाख रुपए की हैकिंग करके राजस्व को नुकसान पहुंचा चुका है। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़े शहरों में वाहनों का ई चालान शुरू कर दिया है, जिससे कि पूरी प्रक्रिया सरकार की साइट पर अपलोड की जाती है। लेकिन साइबर ठगों ने इसका भी तोड़ निकालते हुए प्रदेश सरकार को लगभग 15 लाख रुपए का चूना लगा दिया है। एसएसपी मुरादाबाद हेमंत कुटियाल ने एसपी क्राइम के साथ मिलकर की गई एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बताया, उससे पूरी ई चालान की प्रक्रिया ही संदेह के घेरे में आ गई है। पुलिस ने मनेठार थाना इलाके में कंप्यूटर शॉप चलाने वाले शाने आलम और जावेद नाम के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि 3 लोग इनके साथ और इस गैंग में शामिल हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। तो अक्यूज़ अरेस्ट हुए क्या? दो लोग अरेस्ट हुए हैं और ये एक बड़ा टेक्नोलॉजी की रूप से ये फ्रॉड कर रहे थे और हमारे एसपी क्राइम ग्राफिक साहब ने इस गैंग को वर्कआउट किया है। ये लोग ई चालान जो होते हैं ट्रैफिक के, उसको अवैध तरीके से उसको यूज़र आईडी और उसके पोर्टल में घुस के जो ई चालान जो पुलिस द्वारा किए जाते हैं, फिर जो कोड जाते हैं उसको कम किया जा रहा था इनके द्वारा कई चालान को कैंसिल किया जा रहा था। इवन ये जो कोड्स वगैरह की फर्जी मोहर और फर्जी लेटर्स इन्होंने तैयार किए थे, जिसकी मदद से ये सब काम ये लोग कर रहे थे। इनके पास से काफ़ी संख्या में मेरे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, जैसे कि लैपटॉप, LCD, कंप्यूटर, पेन ड्राइव और बहुत सारे, हमें 15 हमें मोहरें मिली हैं और इलेक्ट्रॉनिक सामान बाकी मिला है। ये दो लोग हैं, दोनों मराठेर के रहने वाले हैं, शाने आलम और जावेद, जो कि अपनी कंप्यूटर शॉप भी चलाते हैं और टेक्नोलॉजिकली काफ़ी ये लोग सक्षम थे। इन्होंने पहले चालान भरना सीखा, उसके बाद ये चालान भरते भरते ये इनको ये चीज़ ये इसमें घुस गए और इसमें ये सिस्टम को इंसाइड करके घुस के इसको हैक करके इन्होंने ये करना शुरू कर दिया। सिर्फ यहाँ के नहीं, बाकी जनपद के भी इन्होंने चालान डिलीट किए हैं और अभी जो इन्होंने एक्सेप्ट किया है वो अराउंड मतलब इन्होंने गवर्नमेंट एक्सचेकर का 10 से 15 लाख का लॉस इनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। इतने चालान से इन्होंने छेड़खानी करी है, बट हमारा मानना है कि हो सकता है और भी ज़्यादा, तो इसमें इनके विरुद्ध FIR करके इनको जेल भेजा जा रहा है। बहुत ही अच्छा काम टीम द्वारा किया गया। इसमें तीन लोग और वांछित हैं जो इनके बयानों में निकले हैं, अभी उस पर हमारी टीम काम कर रही है और इसी प्रकार से हम बाकी भी चीज़ों को हम कवर अप करेंगे। सर, कस्टमर कैसे आते थे ये चालान? कस्टमर जिनका चालान आता है, जो चालान भराने आते थे, उनको ये लोग लालच दे के कहते थे कि हम लोग आपका करवा देंगे, हम आपका कम करवा देंगे, कैसे करवा देंगे वो उनको नहीं बताते थे। बताते लीगल चैनल से हम लोग आपका कम करवा देंगे। ये नेटवर्क मुरादाबाद में था, ये नेटवर्क अभी मुरादाबाद में भी है। इससे कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं वो बाहर के जनपदों में भी है, जिनका नाम इसमें प्रकाश में आया है, उन लोग की भी अभी हम ट्रेस कर रहे हैं, उनको भी शीघ्र उनकी गिरफ्तारी करके इस नेटवर्क को पूरा हो जाता है। तो कितने पैसे इन्होंने इससे कमाए? अभी जो इन्होंने बताया है वो 10 से 15 लाख इन्होंने बोला है कि हमने इतना नुकसान, हमने राजस्व की हानि करी है, मगर हो सकता है ये रकम जो बता रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा है। सर, इसका मास्टर माइंड कौन है? ये एक ग्रुप है, इसमें मास्टर माइंड जो है वो अभी पूरा ग्रुप एक नेटवर्क के तहत है, ये एक दूसरे से लर्निंग करके ही लोग बढ़े हैं। अब जो हानि है उसको वसूला, अब जो कोर्ट के आदेश से ही वसूला जाएगा। थैंक यू।